हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्किटेक्टिकल क्लासेस। आज मैं डिस्कस करूंगा कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में। जब हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं तो इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कास्टिंग डिफेक्ट्स के अंदर जब हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं, सैंड कास्टिंग में क्या होता है कि जब नीचे हमारा एक ड्रैग बॉक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग, ठीक है, और एक होता है इसके ऊपर में, इसको बोलते हैं कोप बॉक्स, बोलते हैं कोप। नीचे ड्रैग बोलते हैं, ऊपर कोप बोलते हैं। यहां पे हम लोग पैटर्न रखते हैं, इसको पैटर्न बोलते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग कैविटी प्रिपेयर करते हैं। पैटर्न से की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम कैविटी बनाते हैं, और इसी कैविटी के अंदर हम लोग, इसके अंदर हम लोग रैंक सैंड डाल देते हैं और रैमिंग ऑपरेशन करते हैं, और ये जो हमारा कैविटी है, इस कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को डालते हैं। तो जब मोल्टन मेटल को जब डालते हैं कैविटी के अंदर, यहां पे हम लोग रनर और राइजर का यूज करते हैं, ठीक है, ये रनर और ये राइजर। तो रनर के थ्रू हम लोग मोल्टन मेटल को फिल करते हैं और राइजर से हमें लेवल पता चलता है। तो जब हम मोल्टन मेटल को जब डालते हैं कैविटी के अंदर, तो यहां पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाती हैं। अब कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, अब इसमें मैंने लिखा है गैस ट्रैप। गैस ट्रैप जब इसके अंदर मोल्टन मेटल को डालते हैं कैविटी के अंदर, तो कुछ ना कुछ गैस यहां पे ट्रैप हो जाता है। कुछ ऐसे गैस होती है जो घुलनशील होती है, जब इसकी बात करें तो वो कुछ तो इसके अंदर घुल जाती है, और कुछ क्या होता है कि वो गैस बाहर निकलना, एस्केप होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर ही डिफेक्ट्स कुछ ना कुछ हमारा जो कास्टिंग है, कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट कर देगा। तो गैस ट्रैप की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकती हैं, वो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल, जब मेटल इसके अंदर फिल करेंगे कैविटी के अंदर, तो अगर पहले सॉलिडिफाई हो या बाद में हो, तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सैंड प्रॉब्लम। हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से रैमिंग नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से हमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और मोल्ड मेकिंग प्रॉब्लम, अगर हम लोग नीचे हम जो ड्रैग बॉक्स रख रहे हैं और ऊपर में कोप बॉक्स रख रहे हैं, तो इसमें अगर प्रॉपर तरीके से मिसमैच हो गया, अगर नहीं रख पाए, तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी डिफेक्ट्स आ सकती है, तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गैस ट्रैप। गैस ट्रैप के अंदर है, फर्स्ट है ब्लो होल्स, होल्स है। होल्स का मतलब ही होता है कि जो जो कैविटी आपने बनाया है, उस कैविटी के अंदर जब आप मोल्टन मेटल को डालेंगे, जब मोल्टन मेटल के डालेंगे, तो क्या होगा कि गैस, बोरस नेचर का होता है, गैस क्रिएट करेगा। तो जब गैस क्रिएट करेगा, और उस अगर कुछ गैस तो डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और कुछ गैसेस जो होगा वो बाहर निकलना जरूरी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैस ट्रैप हो गया, वहां पर क्या होगा कि आपका गैस ट्रैप की वजह से जो मोल्टन मेटल है वो पहुंच नहीं पाया। तो उसके कारण क्या होगा कि वहां पे जो सरफेस तो आपको देखने में सही लगेगा, जैसे आपका पीस जो है यहां पे जो दिख रहा है वो सही लगेगा, लेकिन इसके जो इंटरनल जो पार्ट अंदर जो है वो होल्स क्रिएट हो जाएगा, 2-3-4 होल्स उसके अंदर, क्योंकि आपका जो मोल्टन मेटल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया, उसकी वजह से आपका क्या हो गया, गैस ट्रैप हो गया और वहां पर होल्स क्रिएट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लो होल्स। नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी के अंदर क्या होगा कि जब है तो वही चीज, गैस ट्रैप की वजह से ही हो रहा है, लेकिन पोरोसिटी के अंदर क्या होगा कि इसके जो दिख रहा है, जो सरफेस में जो दिख रहा है, इसके अंदर ब्लो होल्स के अंदर हमें हमारा जो था 2-3-4 होल्स दिख रहा था, जो इंटरनल में जो था, और इसके अंदर पोरोसिटी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे यहां पे होल्स आपको डॉट डॉट करके आपको दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। पिन होल्स, पिन होल्स हम स्पेशली इसको जो बोलते हैं, जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो गैस होते हैं, स्पेशली हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के लिए, अगर इसकी वजह से जो ट्रैप हो गया और ठीक है गैस आपका रिलीज नहीं हो पाया, रिमूव नहीं हो पाया, और गैस क्या हो गया, ट्रैप हो गया, तुम्हारा जो मोल्टन मेटल है वहां नहीं पहुंच पाया, तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा कि बहुत सारे जो है वो होल्स क्रिएट हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिन होल्स। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल के अंदर फर्स्ट है मिश्रण। मिश्रण के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर आप क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को फिल करोगे। जब आप मोल्टन मेटल को यहां से फिल करेंगे, तो यहां से मोल्टन मेटल आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक आने से पहले आपका पूरा कैविटी तो ऐसा बना हुआ था, और यहां पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, हमारा मेटल सॉलिडिफाई हो गया, मिस रन हो गया, मतलब पहले ही रन आउट हो गया।
कंप्लीटली जो कैविटी आपका बना हुआ था उस कंप्लीटली ये फिल नहीं हो पाया मोल्टन मेटल, वो पहुंचने से पहले क्या हो गया सॉलिडिफाई हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया मिसरन हो गया। नेक्स्ट है कोल्ड सेट। कोल्ड सेट क्या हो गया कि आपका ऐसा पैटर्न है, आपने इसके इस पैटर्न की हेल्प से आपने ऐसा कैविटी फॉर्म किया और यहां से और यहां से रनर के थ्रू मोल्टन मेटल को फिल करेंगे तो ये फिल होगा, फिल यहां पे भी होगा और यहां पे फिल होने से पहले ये मिक्स होने से पहले ही यहां पे क्या हो गया मेटल सॉलिडिफाई हो गया, तो ये क्या हो गया इसको बोलते हैं कोल्ड सेट। यहां आने से पहले मिक्स यहां से अपन मोल्टन मेटल को फिल किया तो ये कैविटी के अंदर फिल हो गया, इधर से भी फिल हो गया लेकिन यहां पे मिलने से पहले ही क्या हो गया सॉलिडिफाई हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड सट बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉट टीयर्स। हॉट टीयर्स मतलब गर्म आंसू। गर्म आंसू कैसे होगा, यहां पे जब हम मोल्टन मेटल को डालते हैं कैविटी के अंदर तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप इस यहां पे आप देखेंगे कि ऐसा आपका कैविटी है और आपने क्या किया इसके अंदर मोल्टन मेटल को जब आप फिल करोगे यहां से तो कभी कभी क्या होगा कि जैसे यहां पे मान लीजिए कि आप इसके अंदर आपने मोल्टन मेटल को फिल किया तो कभी कभी यहां पे इस वाला पार्ट तो सॉलिडिफाई हो गया और ये जो पोर्शन है यहां पे सॉलिडिफाई नहीं हुआ तो ये क्या करेगा एक ड्रॉप जैसा दिखाई देगा, ये ड्रॉप जैसा आपको दिखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉट टीयर्स। क्या आप मोल्टन मेटल का कुछ पार्ट में यहां तो सॉलिडिफाई हो गया लेकिन यहां वाला जो पार्ट है वो नहीं सॉलिडिफाई हुआ तो ये क्या दिखेगा आंसू की तरह दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट टीयर्स। नेक्स्ट है श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी जब आप मोल्टन मेटल को इसके अंदर डालेंगे और ड्यू टू द कूलिंग, जब कूलिंग होगा कूलिंग होने के बाद क्या होगा ये श्रिंक कर जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा तो हमारा इसके अंदर भी डिफेक्ट्स आ जाएगा तो ये श्रिंकेज कैविटी के अंदर आएगा। तो ये हम लोग अभी डिस्कस किया कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल की वजह से हमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, इसके अंदर था मिश्रण डिफेक्ट्स, कोल्ड सेट डिफेक्ट्स, हॉट टीयर डिफेक्ट्स और श्रिंकेज कैविटी डिफेक्ट्स, तो इसके अंदर हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सैंड प्रॉब्लम, अगर हमारा प्रॉपर तरीके से रैमिंग नहीं हो पाया तो उसकी वजह से क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो इसके अंदर मैं बात करूं पेंट्रेशन। पेंट्रेशन क्या होगा मतलब धसना, जब आप इसके अंदर आप क्या करेंगे कि मोल्टन मेटल को जो आप फील करोगे और ये इसके अंदर जब आप मोल्टन मेटल को फील करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर प्रॉपर तरीके से रैमिंग, सब सारा प्रॉब्लम जो होता है रैमिंग की वजह से होता है, जब प्रॉपर तरीके से ये रैमिंग नहीं हो पाया तो उस टाइम क्या होगा कि जो सैंड है और आपस में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली बॉन्डेड नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको रैमिंग नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा जब आप मोल्टन मेटल को जब आप डालेंगे तो आपका इस कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा कि आप ये आपका कैविटी है और यहां पे जब मोल्टन मेटल को आप डालोगे तो उस टाइम क्या होगा कि यहां पे क्योंकि आपका रैमिंग तो अच्छे से हुआ नहीं तो ये सैंड जो है यहां से थोड़ा सा हट जाएगा, पेंट्रेट कर जाएगा, धस जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंट्रेशन डिफेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वेल डिफेक्ट्स। अभी मैंने किया कि इस पेंट्रेशन के अंदर यहां पे इस तरह से आपने इसके अंदर जब आप फिल करोगे तो यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया पेंट्रेशन डिफेक्ट्स। स्वेल डिफेक्ट्स में क्या होगा कि ये जो स्वेल मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं कि फुल्ला, तो इसके जो सरफेस पे चूंकि हमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है सैंड प्रॉब्लम की वजह से मतलब रैमिंग की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो ये जो सरफेस ये जो देख रहे हैं वर्टिकली जो देख रहे हैं सरफेस दिखाई दे रहा है इस सरफेस में क्या होता है कि अगर डिफेक्ट्स आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा या जो आप कास्टिंग कर रहे हो थोड़ा सा क्या हो गया कि अंदर से वो खोखला टाइप हो गया फूल गया तो ये ऐसा हो रहा है क्यों कि प्रॉपर हमारा रैमिंग हुआ नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ये जो डिफेक्ट्स जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा ये जो वर्टिकल जो सरफेस में जो दिख रहा है वो स्वेल डिफेक्ट्स कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्वेल डिफेक्ट्स। पेंट्रेशन अभी हम लोग ने क्लियर समझ लिया, स्वेल्स समझ लिया। नेक्स्ट है फ्यूजन डिफेक्ट्स। फ्यूजन डिफेक्ट्स के अंदर क्या होता है जब आप मोल्टन मेटल को आप डालते हैं किसके अंदर कैविटी के अंदर तो होता क्या है कि कभी कभी अगर प्रॉपर तरीके से रैमिंग नहीं किया हुआ है तो आपका मोल्टन मेटल बहुत हॉट है बहुत गर्म है तो मोल्टन मेटल क्या होगा जो सैंड है वो सैंड के अंदर चला जाएगा तो वो किसके अंदर आएगा फ्यूजन डिफेक्ट्स के अंदर आएगा, जो आपका जो सैंड था यहां पे वो आप इसके अंदर जब फिल किए तो ये क्या होगा मोल्टन मेटल इसके अंदर ही क्या हो गया इसके अंदर मोल्टन मेटल जो सैंड है क्योंकि ये जो किया हुआ है तो सैंड है और ये आपका कैविटी है
ये आपका जो आपने बनाया है ये आपका कैविटी है, तो क्या होगा सैंड के अंदर ही ये मोल्टन मेटल चला जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है ड्रॉप डिफेक्ट्स। ड्रॉप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये इस तरीके से कि नीचे तो हमारा कोक बॉक्स होता है, ऊपर में ड्रैग बॉक्स होता है इस तरीके से। जब हम इसको उल्टा करते हैं, नीचे ड्रैग होता है तो ड्रैग को ऊपर कर दीजिए, ठीक है, और कोप को नीचे कर दी। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो उस उल्टा करने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर सही तरीके से नहीं हो पाया तो उसकी वजह से जो हमें डिफेक्ट्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है डर्ट डिफेक्ट्स। डर्ट के अंदर क्या होता है कि जब मोल्टन मेटल को फिल करते हैं प्रॉपर तरीके से रैमिंग हुआ नहीं है तो क्या होता है कि मोल्टन मेटल के ऊपर ही सैंड आ जाता है, ठीक है। जब आप मोल्टन मेटल को आपने फिल किया कैविटी के अंदर तो क्या होगा सैंड जो है वो मोल्टन मेटल के ऊपर ही आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा डर्ट डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है वॉश डिफेक्ट्स। वॉश डिफेक्ट्स के अंदर क्या हुआ कि जब हम लोग मोल्टन मेटल को फिल करते हैं डालते हैं तो कूलिंग रेट सबका अलग 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 मटेरियल के लिए कूलिंग रेट अलग अलग होता है। तो अगर आपने बहुत हाई वेलोसिटी से आप उसके अंदर आप मोल्टन मेटल को आप डाल रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमारा जो जो भी आपने कैविटी फॉर्म किया है जहां पे भी रनर के हेल्प से कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि सैंड जो है वो हट सकता है तो हमारा डिफेक्ट्स आ सकता है। या अगर आपने बहुत धीरे धीरे भी अगर आपने स्लोली अगर आप उसके अंदर फिल किए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि पहले ही मेटल हमारा सोलिडिफाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हम इस पे डिपेंड करता है कि हमारा कूलिंग जो रेट है कौन सा मटेरियल कर रहे हैं उसके हिसाब से कूलिंग रेट होता है। अगर आपने बहुत तेजी से अगर आपने मोल्टन मेटल को फिल कर दिया तब भी प्रॉब्लम होगा तो उसके अंदर जो डिफेक्ट्स आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं वॉश डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा रेड टेल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है रेड टेल। रेड टेल में हम लोग क्या करते हैं कि जब मोल्टन मेटल को फिल करते हैं और उसके अंदर जब एक्सपांशन होता है तो उसकी वजह से रेड टेल भी आ सकता है। तो ये हमने प्रॉब्लम जो डिस्कस किया कि कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकती हैं तो ये सैंड प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट है मोल्ड मेकिंग प्रॉब्लम। मोल्ड मेकिंग प्रॉब्लम के अंदर जब हमारा जो जो ड्रैग बॉक्स है और जो कोक बॉक्स है अगर दोनों बॉक्स का अगर अलाइनमेंट अगर सेम नहीं है, जैसे यहां पे आप देखिए इस तरीके से ये हम कोक ये ड्रैग बॉक्स है और ऐसा कोक बॉक्स है, ये कोक बॉक्स है। अब देखिए कि दोनों का अलाइनमेंट क्या है सेम नहीं है, ये यहां पे मिसमैच हो रहा है तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट्स जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मिसमैच डिफेक्ट्स या उसी को बोलते हैं शिफ्ट डिफेक्ट्स। जो हमारा कोक बॉक्स है और जो ड्रैग बॉक्स है दोनों का अलाइनमेंट क्या हो गया मिसमैच हो गया तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स आएंगे उसको बोलते हैं मिसमैच डिफेक्ट्स। तो अभी हम लोग ने स्टूडेंट्स ये डिस्कस किया कि कास्टिंग डिफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती है, गैस ट्रैप की वजह से, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल की वजह से, सैंड प्रॉब्लम की वजह से और मोल्ड मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अगेन एक बार दो बार आप इसको स्टडी करिए, ठीक है, आपको इजिली समझ में आएगा। थैंक यू।